हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। अगर हम क्लास 12th के रिजल्ट की बात करें तो वो 20 और 21 जुलाई के दौरान जारी किया जा सकता है, और क्लास 12th का जो रिजल्ट दोस्तों वो 31 जुलाई को जारी किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में आप सभी को पता है कि सीबीएसई जब रिजल्ट जारी करती है दोस्तों, लाखों हजार लाखों की मात्रा में जो छात्र छात्रा हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देखते हैं। ऐसे में जो है सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों काफ़ी हैंग कर जाता है, या वो बिजी हो जाने की वजह से वो काफ़ी स्लो चलता है। ऐसे में छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी होती है। तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशान हो, ऐसे लिए सरकार द्वारा ऐसे बहुत से तरीके बताए गए हैं जहाँ से आप अपने रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं। इसे तरीकों में से एक तरीका है दोस्तों है डिजी लॉकर ऐप। जहाँ दोस्तों डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से ना सिर्फ आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बल्कि आप रिजल्ट के साथ साथ अपने सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्तों और के साथ साथ अपना माइग्रेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ऐप से हज़ारों फायदे यानी अनेकों फायदे आप उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि इस डिजी लॉकर ऐप में हम कैसे अपने को रजिस्ट्रेशन करें, कैसे अपना यूजर नेम कैसे प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th में हैं दोस्तों, तो आपके फ़ोन पर जो भी नंबर आपने सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन करवाया तो उस नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा दोस्तों। उस मैसेज के जो यहाँ पर आपको क्लिक करना, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट डिजी लॉकर ऐप की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यदि मैसेज नहीं आया है दोस्तों तो सिंपली आपको क्या करना है कि digilocker.gov.in पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है, पर आप आ जाएंगे। इसके अलावा भी आप दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS है या विंडोज़ फ़ोन है, तो उन सभी के प्ले स्टोर में डिजी लॉकर ऐप आपको मिल जाएगी। वहाँ सिंपली सर्च करना डिजी लॉकर ऐप, वहाँ पर मिल जाएगी, और इसके बाद आपको इंटर कर देना। राइट, इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको कुछ जैसे आप ऐप खोलोगे दोस्तों कुछ आपका इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देता है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो साइन इन का साइन दिख रहा है यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको या तो अपना आधार कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड के अलावा दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपने सीबीएसई क्लास 10 या क्लास 12th में रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। क्लियर हो गया। डालने के बाद दोस्तों आपको 6 डिजिट पिन डालना होगा। 6 डिजिट पिन डालने के बाद आपको अपना यूजर नेम सेट करना होगा दोस्तों। अब यूजर नेम दोस्तों 4 अंकों से लेकर यानी 4 वर्ड से लेकर 50 वर्ड शब्दों तक हो सकता है। अब अगर आप दोस्तों यदि आपका नाम विकास है तो इस तरह से आप अगर आपका नाम विकास है तो अपना स्पेशल कैरेक्टर कैसे यूज करेंगे, यूजर नेम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं दोस्तों विकास नाम है तो वी इस तरह से आप कर लेंगे, वी के, ये आपने 3 वर्ड बना लिया। और दोस्तों साथ साथ या आप अंडर कर सकते हैं या @ कर सकते हैं, इस तरह से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं। 4 वर्ड से अधिक या 50 वर्ड से तक आप जो है अपना यूजर नेम बना सकते हैं। यूजर नेम इंटर करने के बाद दोस्तों आप अपने अपने सीबीएसई उसमें जाएंगे और वहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर डालना होगा सिंपल इस तरीके से, और कुछ इस तरह से आपको अपना जो डिजी लॉकर ऐप का जो है वो मेन खुल जाएगा दोस्तों, और यहां पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये है था दोस्तों सिंपल तरीका जिसके माध्यम से आप अपना डिजी लॉकर ऐप में लॉग इन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।